भारत और चीन सैन्य स्तर की बैठक में शांति से विवाद सुलझाने पर तैयार हुआ चीन। बैठक को लेकर विदेश मंत्रालय का बयान, बातचीत शांतिपूर्ण और गर्मजोशी के माहौल में हुई। सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति सुनिश्चित करने और हालात का हल निकालने के लिए दोनों पक्षों के सैन्य और कूटनीतिक तौर पर जुड़े रहेंगे। कोरोना से फंस इकोनॉमी को रफ्तार देने की तैयारी, चीन लोगों ने बांट रहा है अरबों के कूपन। बीजिंग की ई कॉमर्स कंपनी JD.com में शनिवार से कूपन मिलने हुए शुरू। ये कवायद अक्टूबर तक चलेगी, जब चीन अपना राष्ट्रीय अवकाश मनाता है। इसके अलावा खपत बढ़ाने के लिए लगभग 400 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कनाडा की संसद में उठा ऑपरेशन ब्लू स्टार का मुद्दा, भारतीय मूल की सांसद रूबी साहोतो ने कहा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार सिख इतिहास का सबसे काला समय। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर को अलगाववादियों से खाली कराने के लिए 1984 में चलाया गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार। अमेरिकी महिला सिंधिया डान रीच के दावे से पाकिस्तान की राजनीति में आया भूचाल। सिंधिया ने पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री रहमान मलिक पर रेप का लगाया आरोप, तो पूर्व पीएम यूसुफ रजा गिलानी पर यौन हिंसा का आरोप। दोनों नेताओं ने आरोपों को बताया निराधार। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़, भारतीय सेना ने 5 आतंकियों को किया ढेर। रेबनगांव में छुपे हुए तय कई आतंकी, सर्च ऑपरेशन फिलहाल जारी। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम जारी, संक्रमित मरीजों की संख्या 69 लाख के पार, तो अब तक 4 लाख से अधिक मरीजों की हुई मौत, तो वहीं 34 लाख से ज्यादा मरीज फिलहाल स्वस्थ। देश में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, मरीजों की संख्या पहुंची 2,40,000 के पार, तो वहीं 6,929 मरीजों की हुई मौत। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर सबसे ज्यादा। भारत बना कोरोना महामारी से प्रभावित दुनिया का 5वां देश, 24 घंटे में 9,971 मरीज आए सामने, तो वहीं रिकॉर्ड 287 मरीजों ने गवाई जान। केंद्र की मोदी सरकार ने लॉकडाउन के कारण रोजी रोटी और रोजगार गंवाने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए किया मेगा प्लान तैयार। केंद्र सरकार ने की देश के 6 राज्यों के 116 जिलों की पहचान, जहां पर लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर वापस लौटे हैं। मेगा प्लान के तहत लॉकडाउन के दौरान अपने राज्यों को लौटे करोड़ों प्रवासी मजदूरों के पुनर्वास और रोजगार के लिए पूरा खाका तैयार। सरकार इन 116 जिलों में केंद्र सरकार के सोशल वेलफेयर और डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम को तेजी से मिशन मोड में चलाने वाली है। मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का ऐलान, 15 अगस्त के बाद खुलेंगे कॉलेज और स्कूल, लॉकडाउन के कारण लंबे समय से बंद है शिक्षण संस्थान। कोरोना का राज्यों में पीक पर आना बाकी, 10 से 12 शहरों में कम्युनिटी ट्रांसफर का खतरा। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोरोना संक्रमण के फैलाव पर जताई चिंता, कहा अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर कोरोना वायरस के मामले बढ़ सकते हैं। कम्युनिटी ट्रांसफर पर एम्स के डायरेक्टर ने कहा कि दिल्ली मुंबई है फिलहाल हॉटस्पॉट। कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, प्राइवेट अस्पताल में दिल्ली के निवासियों का ही होगा इलाज। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के मद्देनजर लिया गया फैसला, हालांकि केंद्र सरकार के अस्पतालों में होगा सभी का इलाज। मुख्यमंत्री केजरीवाल की धमकी पर भड़की दिल्ली की मेडिकल एसोसिएशन, कहा डॉक्टर्स की चेतावनी और हॉस्पिटल को धमकाना ठीक नहीं। दिल्ली में एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हुए कोरोना संक्रमित, स्वास्थ्य विभाग में स्पेशल ड्यूटी पर थे तैनात। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड में कार्यरत, हाल ही के दिनों में ले चुके हैं कोरोना की नीति से हिस्सा। गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार से वर्चुअल रैली की शुरुआत, कोरोना वॉरियर्स का शाह ने बढ़ा उत्साह, मैं उन करोड़ों कोरोना वॉरियर्स को सलाम करता हूं जो अपनी जान को जोखिम में डालकर कोरोना से लड़ रहे हैं। अमित शाह ने यह भी साफ किया कि वर्चुअल रैली का बिहार के चुनाव प्रचार से कोई लेना देना नहीं, इसका उद्देश्य कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में लोगों के साथ जुड़ना है। इस भूमि ने हमेशा भारत का नेतृत्व किया है। मोदी सरकार ने 6 साल के अंदर करोड़ों गरीबों के जीवन में प्रकाश लाने का प्रयास किया, पूर्वी भारत के लोगों को इसका फायदा भी हुआ। जल शक्ति मंत्रालय गठित करके देश के 25 करोड़ लोगों को घर में नल से शुद्ध जल पहुंचाने की योजना शुरू। बिहार चुनाव की सरगर्मियां तेज, अमित शाह की डिजिटल रैली को लेकर बिहार में पोस्टर वॉर, जेडीयू ने लालू के जरिए किया पलटवार। अमित शाह की डिजिटल रैली का विरोध, बिहार में जदयू ने चलाया थाली पीटो अभियान। पटना स्थित आवास पर तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी ने भी पीटी थाली, बिहार और केंद्र सरकार पर साधा निशाना।
मुख्यमंत्री आवास पर हुई वित्त विभाग की अहम बैठक, रेवेन्यू बढ़ाने को लेकर हुआ मंथन। सीएम अशोक गहलोत ने खर्चों पर अंकुश लगाने के दिए निर्देश। बैठक में एसीएस फाइनेंस निरंजन आर्य, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कुलदीप राका समेत आला अधिकारी रहे मौजूद। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने किया ब्रिटेन में रह रहे प्रवासी भारतीयों से संवाद। सोशल मीडिया के माध्यम से विधानसभा अध्यक्ष ने प्रवासियों से की चर्चा, कोरोना महामारी को लेकर ली जानकारी। प्रदेश में भी कोरोना का संक्रमण जारी, वायरस को रोकने के लिए यूनानी चिकित्सा पद्धति का लिया जा रहा है सारा। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काढ़े और दवाइयों का हुआ वितरण। जयपुर में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, रामगंज, सुभाष चौक, चौमू और सेज थाना इलाके में लगा आंशिक कर्फ्यू। 1 किलोमीटर के दायरे को किया गया सील, तो वहीं महामारी एक्ट का उल्लंघन करने वालों पर भी हुई कार्रवाई। राज्य सरकार ने बढ़ाया लॉकडाउन 5 में छूट का दायरा, कल से प्रदेश में सशर्त खुलेंगे होटल्स, रेस्टोरेंट्स, क्लब और शॉपिंग मॉल्स। गृह विभाग ने जारी किया आदेश, तो वहीं इनके संचालकों ने जताया राज्य सरकार का आभार। चौक में नहीं थम रहे कोरोना संक्रमण के मामले, आज निवाई के झुलाई गांव में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज आया सामने, पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 170 पर। दिल्ली आने वालों के लिए राहत की खबर, 7 दिन के बाद कल फिर से खुलेगा दिल्ली बॉर्डर। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की घोषणा, यूपी, हरियाणा और दिल्ली के लोगों को मिलेगी सहूलियत। 80 दिन के बाद खुली हवा में दौड़ी नेहा धूपिया, सोशल मीडिया पर शेयर किया एक्सपीरियंस। एक्सप्रेस ने कहा कि आज 80 दिन के बाद सुबह रनिंग पर गई, आजादी के साथ हुआ डर का निशान। लोगों के निशाने पर आए टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह, यजुवेंद्र चहल के खिलाफ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल का है मामला। युवराज सिंह के खिलाफ हुई FIR दर्ज, तो वहीं युवराज ने इस मामले में मांगी माफी। श्रमिकों की मदद करने को लेकर सोनू सूद पर भड़की शिवसेना, संजय राउत ने कहा लॉकडाउन के दौरान अचानक तैयार हो गया सोनू सूद नाम का एक महात्मा, तो वहीं बीजेपी ने राउत का बयान बताया दुर्भाग्यपूर्ण। मुंबई में गैस लीक की खबर से मचा हड़कंप, चैंबूर और घाटकोपर सहित कई इलाकों में मचा हड़कंप, बीएमसी की टीम ने संभाला मोर्चा। मध्य प्रदेश के शाजापुर में निजी अस्पताल की मनमानी, बिल नहीं चुकाने पर मरीज को बनाया बंधक, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल की तबीयत में सुधार, मेघवाल की बेटी ने दी जानकारी। मंत्री मेघवाल का हटा वेंटिलेटर, अब सामान्य वार्ड में रहेंगे मेघवाल, अभी कुछ दिन और रहना होगा अस्पताल। भीलवाड़ा के बिजोलिया में पुलिस की कार्रवाई, गश्त के दौरान हथगढ़ शराब के साथ एक आरोपी गिरफ्तार, आरोपी से पूछताछ पे फिलहाल जुटी पुलिस। यूपी में रामम दीक्षित की अनूठी कलाकारी, कोरोना योद्धा के रूप में बनाई मुख्यमंत्री और योगी आदित्यनाथ की तस्वीर, अपनी प्रतिभा के कारण काफी चर्चा में रामम दीक्षित। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़, 10 के इनामी बदमाश को मारी गोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार, तो बदमाश का एक साथी फिलहाल फरार। यूपी के मेरठ में सिपाही ने गोली मारकर की आत्महत्या, दौराला थाना क्षेत्र के सकौती। यूपी के मिर्जापुर में हुआ दो पक्षों के बीच विवाद, लाठीभाटा जंग में 4 लोग हुए घायल, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। मामले की जांच में जुटी पुलिस, अधौरा थाना क्षेत्र के बेलपुरा गांव का है मामला। यूपी के पीलीभीत में दर्दनाक हादसा, पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र में ट्रक ने मारी बाइक सवार को टक्कर, हादसे में एक युवक की मौत, तो वहीं मामले की जांच में जुटी पुलिस। राज्यसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज, गुजरात के 22 कांग्रेसी विधायकों को लाया गया राजस्थान, अबू रोड के एक रिजॉर्ट में ठहराए गए सभी विधायक। बूंदी में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, 80 रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ओम प्रकाश धाकड़ घूस लेते गिरफ्तार, मेडिकल संचालक रमेश तेली से 5,000 की घूस लेते गिरफ्तार, ऑपरेशन करने के एवज में मांगी थी 20,000 की घूस। डूंगरपुर के वाला घोड़िया गांव में दर्दनाक हादसा, मिट्टी ढहने से दबे 4 मजदूर, हादसे में 1 मजदूर की हुई मौत, 1 मजदूर फिलहाल लापता, 2 मजदूरों को निकाला गया सुरक्षित, प्रशासन की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी। जयपुर के हरवाड़ा में फांसी का फंदा लगाकर युवक ने की आत्महत्या, घटनास्थल से मिला सुसाइड नोट, एक दंपति पर ब्लैकमेल करने का आरोप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। अलवर के बानसूर में 400 होम्योपैथिक किट का किया गया वितरण, होलावास गांव में सरपंच सत्यपाल चौधरी ने किया वितरण, कोरोना से बचाव के लिए ग्रामीणों को किया जागरूक। चूरू के तारानगर में मादक पदार्थ तस्करी को रोकने के लिए पुलिस ने चलाया विशेष अभियान, अवैध गांजा परिवहन करते ही एक युवक को किया गिरफ्तार, आरोपी से 1 किलो 150 ग्राम अवैध गांजा बरामद। तनाव को दूर करने के लिए योग का सहारा, अजमेर पुलिस लाइन में योग शिविर का आयोजन, एसपी कुंवर राष्ट्रदीप सहित कई आला अधिकारियों ने किया योग अभ्यास। भीलवाड़ा के बिजौलिया में अवैध खनन जारी, खनिज विभाग ने किया अवैध खनन करने वालों पर बड़ी कार्रवाई, 7 करोड़ का पंचनामा बनाकर कराया मामला दर्ज।
राज्य सरकार ने होमगार्ड में नफरी बढ़ाने के लिए नई भर्ती को दी मंजूरी। प्रदेश के विभिन्न शहरों में करीब 2500 होमगार्ड की भर्ती निकाली। 10 जून से 9 जुलाई तक कर सकेंगे आवेदन। अजमेर में सिविल लाइन थाना पुलिस की कार्रवाई, 125 ग्राम चरस के साथ दो युवक गिरफ्तार। एनटीपीएस एक्ट के तहत हुआ मुकदमा। जालौर के अहोर में अधेड़ ने की पत्नी की निर्मम हत्या। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने भी किया सुसाइड। मामले की जांच में जुटी पुलिस। अहोर के नोसरा गांव का है पूरा मामला। यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की रिहाई की मांग। बरेली में कांग्रेस जिला अध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी प्रेस वार्ता की। योगी सरकार और भाजपा सरकार पर साफ निशाना। गाइडलाइन के अनुसार आगरा आरटीओ में शुरू हुआ कामकाज। आमजन के लिए लगाई गई ऑटोमेटिक सैनिटाइज मशीन। मास्क और ग्लव्स भी है जरूरी। यूपी के कड़ाधाम शक्तिपीठ में खुली बैठक का आयोजन। इस बार नहीं लगेगा ऐतिहासिक आषाढ़ का मेला। कोरोना के कारण सर्वसम्मति से लिया फैसला। बारा के शाहबाद में बारिश ने दी दस्तक। किसानों के सामने खड़ी हुई कई परेशानियां, तो वहीं घरों के स्टार संभाल करने में जुटे ग्रामीण। बूंदी के डिवीजनल कमिश्नर ने नरेगा कार्य और एफसीआई खरीद केंद्रों का किया निरीक्षण। श्रमिकों से भुगतान के बारे में की चर्चा। खरीद केंद्रों पर बाल उठाव की समस्याओं के निराकरण के दिए आदेश। सीकर के दातारामगढ़ में कोरोना पॉजिटिव के खिलाफ प्रशासन ने लिया एक्शन। ट्रैवल हिस्ट्री छिपाने के मामले में हुई कार्रवाई। महामारी एक्ट के तहत आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा। भरतपुर में कोरोना का कहर जारी। लगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या, तो है शहर के बाजार खुलते ही उमड़ी भीड़। अलवर के रैनी में जरूरतमंद लोगों को राशन सामग्री वितरण। पाटन सरपंच सरोज मीना और विधायक जौहरीलाल मीना ने किया वितरण। धौलपुर में मास्क सैनिटाइजर वितरण कार्यक्रम का आयोजन। विधायक शोभरानी कुशवाहा और आरएएस गर्ग ने वितरित किए मास्क सैनिटाइजर। कोरोना से बचाव की अपील। डूंगरपुर जिला परिषद सीईओ दीपेंद्र सिंह राठौर का सीमलवाड़ा दौरा। मनरेगा कार्यों का किया निरीक्षण। गांव में विकास कार्यों का भी लिया जायजा। पाली के मारवाड़ जंक्शन स्थित सिचाना गांव में ट्रांसफार्मर से लगी आग। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है कारण। आग लगने से बिजली आपूर्ति हुई था। इंस्पेक्टर मुकेश कानूनगो को शहीद का दर्जा दिलाने की मांग। अनुकंपा नौकरी राहत पैकेज के लिए दर दर ठोके खारा परिवार। शासक विधायक वेद प्रकाश सोलंकी से लगाई गुहार। विधायक ने हर संभव मदद का दिया आश्वासन। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।